हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30। बाबा बैजनाथ मंदिर जा रहे हैं अभी हम लोग देवघर में जल चढ़ाने। देखते हैं भीड़ है कि नहीं। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बैजनाथ मंदिर और ये उनका मेन गेट है। ये देखिए सब लोग बोल बम बोल ये जल चढ़ाने पैदल। गाइस यहाँ पे ये कुआं है, यहीं से पानी भर के ले जाकर के वो जो मंदिर सामने दिखाई दे रहा है वहीं पे चढ़ाए। सोमवार इसलिए भीड़ ज्यादा है, ये सारे लोग जल चढ़ाने के लिए बोल बम बाबा धाम। ये हम लोग जल भर के संकल्प करने जा रहे हैं, फिर इसके बाद से देखते हैं ब्रिज के रास्ते जाते हैं या फिर कोई VIP लाइन बताते हैं जैसा होता है आपको। ये आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग सारे दर्शन करने के लिए ब्रिज है, वहाँ से सारे लोग जाते हैं। ये सारी भीड़ जा रही है ब्रिज से, हम लोग VIP लाइन से जाएंगे। भाई अभी कम से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से आ रहे हैं ये लोग। मंदिर यहीं पे है जिसकी ये पीछे ही रहते क्या व्यक्ति। गाइस अभी हम VIP लाइन में हैं। वैसे VIP लाइन सिर्फ नाम का लाइन है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे 250 सिर्फ VIP लाइन के लिए ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है VIP लाइन। जो आम आदमी उनकी तो भीड़ ही मत देखिए, कम से कम 2-3 किलोमीटर ज़्यादा दूर से भीड़ है और VIP लाइन के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं। गाइस बहुत भीड़ है, कम से कम मतलब अगर हम लोग नॉर्मल लाइन से जाते तो 7 से 8 घंटे लग जाते, ये VIP लाइन में 10 मिनट लग गए। वैसे VIP लाइन में भीड़ तो बहुत है, गेट के अंदर घुसने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो रही थी। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल एक पतला सा गेट खोल रहे हैं उससे घुसना हम लोग को। गाइस आगे से कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं अलाउड है, सॉरी। फ़ोन अंदर रख के फिर बाहर निकलते हैं जल चढ़ाने के बाद, तो बताते हैं आप लोग को कैसा एक्सपीरियंस रहा। जय बोलबम, हर हर महादेव। गाइस आप लोग को भीड़ दिखाई दे रही होगी, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये बैजनाथ मंदिर है जहाँ पे ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे बहुत सारा वैसे तो। गाइस अभी हम लोग बाबा बैद्यनाथ से जल चढ़ा करके और पार्श्वनाथ के लिए आ चुके हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि जो मतलब बाबा बैद्यनाथ जल चढ़ाया रहेगा वही ये बासुकीनाथ में आके फिर जल चढ़ाना कंपलसरी है, मान्यता भी है। ये मेन मंदिर है, यहाँ से जहाँ तक कैमरा अलाउड है वहाँ तक रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी देखते हैं आगे। यहाँ पे भीड़ तो ज़्यादा ही है। ये देखिए ये मंदिर है बासुकीनाथ का मेन मंदिर। ओम तिलकम चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आदुदाहरते नित्यम लक्ष्मीपस्तु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु काचाय मंगलाय नमो हरि। ओम कृष्णासं चो मनोरथां रामां मुक्ति अस्तवः। ओम शक्तिना इंद्रवर्ग सर्वाः सुखिनः सुखदाः सुखिनः।
बासुकीनाथ बाबा का दर्शन करके हम बाहर निकले हैं, कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, बाहर देखते हैं। बहुत भीड़ है भाई साहब, इतनी भीड़ की बता नहीं सकता आपको। अभी बाबा वैद्यनाथ के सारे मंदिर में घूम चुके हैं, वैसे कल रात फोन अलाउड नहीं था इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, तो बाहर निकल कर वो दिखा देता हूँ आपको, बाहर निकल के सारा सीन। यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ हो गया है, चलिए बाबा वैद्यनाथ और वासुकीनाथ दर्शन करके अभी हो सकता हूँ त्रिकुट पर्वत जाएँ, त्रिकुट पर्वत तो देखते हैं क्या है वहाँ पे, दिखाएंगे आप लोग को बहुत ही सारी चीज़ें। इसमें कुछ ज़्यादा खास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या रिकॉर्डिंग हो सकती है। गाइस ये वासुकीनाथ के बाहर का पूरा जो भी है मार्केट या मतलब स्टार्टिंग कर रही है, अभी मैं आपको बता दूं मैं यहाँ से वासुकीनाथ से निकलने जा रहा हूँ और यहाँ से देखते हैं त्रिकुट पर्वत जाएंगे। त्रिकुट पर्वत पे बहुत सारी शायद रोपवे वगैरह है, केबल कार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या सीन है दिखाने वाली। वैसे जो भी वैद्यनाथ जाए तो VIP दर्शन ही करें, वैसे VIP दर्शन दिक्कतें तो बहुत सारी हैं कि लोग VIP के लिए नाम पे पैसा दे रहे हैं और सरकार जो भी है उसका पैसा ले रही है तो कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, कोई प्रशासन नहीं है। कैसा लगा आपको मंदिर घूम के, मजा आया? मजा आया, देखिए सारा चीज़ घुमाती है, अभी बहुत सारा घुमाएंगे।